नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में अपर मुख्य सचिव के पाठक शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर कई बड़े और कड़े फैसले ले रहे हैं। स्कूलों की टाइमिंग से लेकर शिक्षकों की भूमिका तक, जिसे लेकर सड़क से सदन तक हंगामा मचा है। के पाठक को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। के पाठक के फैसले से विपक्ष नाराज है और कार्रवाई की मांग पर अड़ा है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार के पाठक के फैसले के साथ नजर आ रहे हैं और आरोपों को दरकिनार कर नीतीश कुमार सदन में उनके पक्ष में खड़े होकर ये कहते नजर आए कि ईमानदार अधिकारी पर कार्रवाई नहीं करते हैं। जो इधर उधर करेगा उस पर ही कार्रवाई होगी। वो एक ईमानदार अधिकारी है और ऐसे में सवाल है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर के पाठक के फैसले से विपक्ष आखिर नाराज क्यों है? सवाल ये भी कि बिहार में शिक्षा की बेहतरी है जरूरी या पाठक को हटाना है जरूरी? जो सबसे ईमानदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ये सिर्फ एक दिन पहले यानी बुधवार का बयान है। विपक्ष के तमाम आरोपों और हमलों के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा विभाग के ACS के पाठक के साथ खड़े दिखे। मुख्यमंत्री ने सदन में जो बात के पाठक के लिए कही वो शायद ही किसी अधिकारी के लिए किसी मुख्यमंत्री ने कभी इस तरह से कही होगी। कार्रवाई करते हैं ऐसे अधिकारी जो किसी का धंधा इधर उधर नहीं सुनता है और उसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं। बहुत गलत बात है। बावजूद इसके के पाठक अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। स्कूल की टाइमिंग को लेकर सीएम और शिक्षा मंत्री के आदेश के बाद भी के पाठक पीछे हटने को तैयार नहीं। के पाठक ने एक बार फिर सभी DEO और DPO के साथ किए VC में कहा कि हर हाल में स्कूल सुबह 9 से 5 ही चलेगा। सुबह 8:30 बजे निरीक्षी पदाधिकारी स्कूल पहुंच जाए और 9 बजे तक स्कूल नहीं पहुंचने पर शिक्षकों पर तुरंत एक्शन लें। उनको अनुपस्थित मानते हुए वेतन कटौती की कार्रवाई करें। बुधवार की तरह गुरुवार को भी विधानसभा के अंदर और बाहर विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्षी विधायकों ने आरोप लगाया कि के पाठक CM का आदेश पलट रहे हैं। कि माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में कल घोषणा किया था, परसों भी घोषणा किया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। और जो पत्र दिया गया कई जिलों में, उसमें जो पत्र पहले वाला था उसी पत्र को उन्होंने जारी करने का काम किया है। विधानसभा में के पाठक पर कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने फिर एक बार साफ किया कि स्कूल की टाइमिंग 10 से 4 ही रहेगी। सरकार उसको जरूर देखेगी और मुख्यमंत्री की जो इस सदन में घोषणा है सरकार उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगी। जबकि BJP विधायक नीरज बबलू ने कहा कि CM ने जो कहा है वही आदेश है, जो अधिकारी नहीं मानेंगे उन पर कार्रवाई होगी। एक बात स्पष्ट है, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी कल सदन में स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि 10 से 4 ही स्कूल चलेगा, तो जो अधिकारी इसको अक्षरशः पालन नहीं करेगा उन पे कार्रवाई होगी और विरोधी का काम। सवाल है कि सरकार जब के पाठक के साथ खड़ी है, खुद नीतीश कुमार के पाठक की तारीफ करते हैं, फिर के पाठक क्यों अपनी जिद पर अड़े हुए हैं? पाठक किसी की सुनते क्यों नहीं? News 18 के लिए पटना से रजनीश के साथ शैलेंद्र और अमित की रिपोर्ट। ऐसे में अब जानिए कि के पाठक के फैसले से आखिर ये नाराजगी क्यों है जिस पर विपक्ष इस कदर उखड़ा हुआ है। बार बार हो हंगामा देखने को मिल रहा है। शिक्षा की बेहतरी जरूरी है या के पाठक को हटाना जरूरी है, तो ये भी जानते चलिए। के पाठक शिक्षा विभाग के ACS हैं, अपर मुख्य सचिव हैं वो। के पाठक शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लगातार जुड़े हुए हैं। इसके लिए के पाठक जो हैं कड़े और बड़े फैसले लेते हुए आपको लगातार नजर भी आ रहे होंगे।
जिसमें से एक फैसला और एक बड़ा फैसला जो है उनकी तरफ से सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक स्कूलों के संचालन को लेकर था। शिक्षक इस आदेश का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष को पता है कि बिहार में करीब 6.25 लाख शिक्षक हैं, जो लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में ये इनके लिए एक बड़ा वोट बैंक हो सकता है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष खुद को शिक्षकों का हिमायती बताने में लगा हुआ है। शिक्षकों के पक्ष में खड़े होने पर वोट मिल जाएगा, ये बार बार कही जाती है। और जरा अब ये भी देखते चलिए कि के पाठक के बड़े फैसले क्या हैं। तो के पाठक जो है वो शिक्षा विभाग के ACS हैं, यानी कि अपर मुख्य सचिव हैं, और उनकी तरफ से ये बड़ी जिम्मेदारी जो है निभाई जाती है। इसके साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में के पाठक की भूमिका जो है वो बड़ी और महती हो जाती है। वो बड़े फैसले लेते हैं, इसके लिए पाठक कड़े फैसले लेने के लिए जग जाहिर है। उनके बारे में अगर कोई जानता है तो ये जानता है कि वो फैसले जो लेते हैं वो कड़े लेते हैं। फैसला जिसमें स्कूल को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चलाने का फैसला शामिल है उनके इन बड़े फैसलों में, एक बड़ा फैसला जिसका विरोध किया जा रहा है। और शिक्षक इसी आदेश का विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ये समय सारणी जो दी गई है वो समय सारणी बड़ी लंबी है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बिहार में करीब 6.25 लाख शिक्षक हैं, ये तादाद जो है ये वोट बैंक का काम करती है। और विपक्ष शिक्षकों का हिमायती बनने में लगा हुआ है। विपक्ष ये कह रहा है कि भाई इनके हितों की रक्षा होनी चाहिए। विपक्ष के पाठक को हटाने की मांग बार बार कर रहा है कि भाई ACS के पाठक को हटाइए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों पर शिकंजा जो है वो लगातार कसा जा रहा है। देर से अगर स्कूल पहुंचते हैं तो ऐसे शिक्षकों को लेकर के पाठक का साफ निर्देश है कि भाई अगर ऐसे शिक्षक जो देर से पहुंच रहे हैं उनके वेतन काट दिए जाएंगे। हमारे सहयोगी रजनीश भी हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं, और रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस बड़े से स्क्रीन पर आप उन्हें देख भी पा रहे होंगे। रजनीश, आप तक आवाज पहुंच पा रही हो तो जरा बताइए कि क्या ACS के पाठक को लेकर जो जिच है, जो रार है, वो अब थमती नजर आ रही है? क्या बातचीत का दौर शुरू हुआ है? उनसे ये क्लेरिफिकेशन लिए जा रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि मुख्यमंत्री एक बात कहते हैं और ACS के पाठक दूसरी बात? तो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन जरा उससे पहले जिन फैसलों को लेकर आखिर ये बवाल क्यों मचा है, क्यों विपक्ष बार बार ये कहता है कि भाई ACS के पाठक को हटा दीजिए, लेकिन उनके फैसले क्या हैं जो कि आमूलचूल परिवर्तन लेकर आए हैं? देखिए, बच्चों को जमीन पर बिठाकर पढ़ाया जाता था, तो इस फैसले को के पाठक ने कहा कि भाई ये हटाना होगा, बच्चों को बेहतर व्यवस्थाएं देनी होंगी। स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों पर शिकंजा कसना होगा, क्योंकि भाई दायित्व इनका सबसे बड़ा यही है, इसी कार्य के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। देर से अगर शिक्षक पहुंचते हैं क्लासरूम में, स्कूल में उनकी उपस्थिति अगर देर से होती है तो फिर वेतन काट लिया जाएगा। शिक्षकों के ट्रांसफर और प्रतिनियुक्ति पर भी उन्होंने रोक लगा दी। नए शिक्षकों को पहले आपको आना होगा गांव में, गांव में आइए, बच्चों को पढ़ाइए, और फिर उसके बाद आपका पदस्थापन कहीं और होगा। विकास कोष में जमा राशि की जो है वो स्कूल में ही खर्च की जाएगी, यानी कि पढ़ाई में बेहतरी के लिए इस राशि को खर्च करना होगा। ये बड़े फैसलों में और क्या बदलाव लेकर आए ACS के पाठक, वो के पाठक को लेकर विपक्ष क्यों कार्रवाई की मांग कर रहा है, क्यों इस बात पर वो अड़ा हुआ है कि मुख्यमंत्री इन्हें हटा दें, इन पर एक्शन लिया जाए। हालांकि नीतीश कुमार ने सदन में सभी के सामने ये बात खुलकर कहा कि एक ईमानदार अफसर है भाई के पाठक, और के पाठक के ऊपर किसी तरीके से कार्रवाई करना उचित नहीं है, क्योंकि उनकी ईमानदारी जो है, उनका जो स्टैंड है बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा को बेहतरी के लिए, वो जग जाहिर है, सभी जानते हैं कि वो बेहतर कर रहे हैं। हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, के पाठक की कार्यशैली से हम सब वाकिफ हैं, के पाठक के ACS बनने के बाद क्या बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में आया, बिहार में शिक्षकों के स्कूल पहुंचने में कितना बदलाव आया, ये सब जानते हैं, इसके बावजूद विपक्ष आखिर कार्रवाई की बात पर क्यों अड़ा है? बिल्कुल विभा, देखिए के पाठक जिस प्रकार से एक्शन ले रहे हैं और जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, उनके काम करने का जो तौर तरीका है उससे शिक्षक वाकिफ हैं, और इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति सिर्फ इस बात से है कि जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
सदन में कह रहे हैं कि 10 से 4 स्कूल का समय होगा, उसके बाद समय परिवर्तन नहीं हो रहा, इसको लेकर विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है और लगातार पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। हम बता दें आपको कि शिक्षकों को ये पता चल गया है कि अब ये मुद्दा राजनीति बन गया है और राजनीतिक मुद्दा को अब कहीं ना कहीं शिक्षकों को इससे कोई मतलब नहीं है। तो बता दें आपको के पाठक अभी कटिहार दौरे पर हैं, कल हमने प्रयास भी किया कि हम किसी प्रकार से उनसे पक्ष जाने, लेकिन के पाठक ऐसे अधिकारी हैं जो मीडिया में कभी भी इंटरव्यू नहीं देते हैं, बाइट नहीं देते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि कौन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, इससे भी के पाठक को कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से सक्षमता परीक्षा को लेकर लगातार शिक्षक विरोध कर रहे हैं, अब शिक्षकों का आरोप यह है कि सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर मुद्दा को डाइवर्ट कर दी है, यानी जो मुद्दा था कि राज्यकर्मी का दर्जा कैसे मिले बगैर किसी परीक्षा के, बिना शर्त के, अब मुद्दा आ गया है के पाठक और स्कूल की टाइमिंग का। शिक्षकों का कहना कि स्कूल की टाइमिंग बड़ा इशू नहीं है, ना ही के पाठक को हटाने का मामला है, के पाठक रहें या हटें इससे शिक्षकों को मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सीएम नीतीश कुमार ने जो सदन में कह दिया है कि 10 से 4, यहाँ पर कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन यही नहीं, के पाठक कुछ और आदेश दे रहे हैं, मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं, और जिले में जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं वो अलग अलग तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। कल अगर बात करेंगे कैमूर से, भोजपुर से, जिस प्रकार से शो कॉज के साथ साथ वेतन कटौती कार्रवाई की गई है, 9:04 के बाद कोई शिक्षक अगर स्कूल पहुंच रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो विडंबना है ये, इसको लेकर जनता भी सवाल पूछ रही है, क्योंकि के पाठक जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, काम से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, वो बेहतर काम कर रहे हैं, उनकी ईमानदारी को लेकर लोग जानते हैं। बिल्कुल 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 रजनीश, जैसा आप कह रहे हैं कि भाई अब उन पर कार्रवाई हो ये मांग नहीं है, भाई कार्रवाई होगी या नहीं होगी सरकार ये देख लेगी, लेकिन जो मुख्यमंत्री का बयान है कि स्कूलों की टाइमिंग 10 से 4 होनी चाहिए, वो या तो लागू हो जाए या फिर एसीएस के पाठक जिस आदेश पर अब तक कार्य कर रहे हैं कि सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक स्कूलों का संचालन होगा, वो स्थिति जो है वो जस की तस रहे। कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, उस शिक्षकों के हित में भी है, अधिकारियों के हित में भी और छात्रों के हित में भी। आप हमारे साथ बने रहिए। अब जरा एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि के पाठक के अब तक के बड़े फैसले क्या कुछ हैं और क्यों है के पाठक बिहार के लिए जरूरी है। स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों पर देखिए शिकंजा जो है उनकी तरफ से कसा गया कि आप गायब नहीं रह सकते। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के परिजनों का अक्सर इस तरह की शिकायतें उनकी आती थी कि भाई टीचर स्कूल आते ही नहीं है, बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है। ये शिकायत आए दिन लगातार जो है वो बढ़ रही थी और ऐसे में के पाठक ने शिक्षकों के वेतन में कटौती करने का आदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि जो शिक्षक नहीं पहुंचेंगे उन शिक्षकों के वेतन काट लिए जाएंगे। अब अगर कोई टीचर बिना कारण बताए स्कूल से गायब रहता है तो उसकी सैलरी कट जाती है, देर से पहुंचने पर शिक्षकों के वेतन को काटा जाता है, साथ ही नोटिस भी जारी हो जाता है कि अब स्कूल से अगर आप गायब रहेंगे तो फिर उसके बाद कार्रवाई भी आप पर होगी। शिक्षकों के ट्रांसफर और प्रतिनियुक्ति पर रोक, पहले जो प्रतिनियुक्ति अपने मनपसंद वाली जगहों पर होती थी वो भी अब मुश्किल हो गई, अब वो संभव नहीं होगा। के पाठक ने बिहार के शिक्षकों के तबादले और प्रतिनियुक्ति पर रोक लगाकर लापरवाह शिक्षकों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। नए शिक्षकों को पहले अब अनिवार्य कर दिया गया कि आपको गांव में ही बच्चों को जाकर अध्यापन कराना होगा, पढ़ाना होगा। बिहार में बीपीएससी के जरिए देखिए एक बड़ी तब्दीली जो है वो लाई गई कि बीपीएससी के जरिए शिक्षकों की जो नई भर्तियां हैं वो शुरू की गई, यानी कि क्वालिटी पर फोकस किया गया। नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों को पहले कुछ साल राज्य के गांवों में जाकर बच्चों को पढ़ाना है, उन्हें लिखाना है, उन्हें शिक्षित करना है। विकास कोष में जमा राशि जो है वो अब आपको स्कूलों में खर्च करने की अनिवार्यता सुनिश्चित कर दी गई। बिहार शिक्षा विभाग स्कूलों के विकास के लिए हर साल करोड़ों रुपए की राशि जो है वो जारी करता है, लेकिन विडंबना ये कि ये राशि खर्च ही नहीं हो पाती थी, उसका सदुपयोग ही नहीं हो पाता था। ऐसे में के पाठक ने आदेश जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में छात्र कोष और विकास कोष में जमा रुपए खर्च नहीं होते हैं तो उसे वापस सरकारी खजाने में जमा किया जाए। शिक्षकों की छुट्टियों में कटौती की के पाठक ने। बिहार में शिक्षकों को जो छुट्टियां दी जाती थी उसकी संख्या कम कर दी के पाठक ने। उन्होंने कहा कि भाई इतनी ज्यादा छुट्टियों की जरूरत नहीं है, हर मौके पर अगर आप छुट्टी लीजिएगा तो बच्चों को पढ़ाइएगा कब। इस मसले पर उनका फैसला भी सामने आया जिस पर सियासत भी खूब हुई। बच्चों की उपस्थिति पर के पाठक जो है वो सख्त नजर आए। आपने देखा होगा कि अगर 3 दिनों तक स्कूल से आप अनुपस्थित रहते हैं
तो आपको एक नोटिस जाता है, उसके बाद 15 दिनों तक आप लगातार अनुपस्थित रहे तो फिर नाम काट दिया जाता है। अब तक हजारों स्टूडेंट्स के नाम जो हैं इस नियम के तहत ही काटे गए, और कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि सरकारी योजनाओं का लाभ तो जरूर ले रहे थे लेकिन स्कूल नहीं पहुंचते थे। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते चलें, स्कूल की टाइमिंग को लेकर अब जो एक्शन है उसकी शुरुआत हो चुकी है। जी हां, के पाठक के आदेश के बाद कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई है। के पाठक भोजपुर डीओ ने एक बड़ी कार्रवाई की है जिसमें जो लोग समय पर नहीं पहुंचे उनके वेतन को रोका जा रहा, काटा जा रहा है। कुलवर के एचएम का यानी कि हेडमास्टर का वेतन जो है वो रोका गया है, काटा गया है। 9 बजे से लेट होने पर 9:04 का वक्त बताया जा रहा है कि अगर आप इस वक्त तक नहीं पहुंचे तो उसके बाद आपके वेतन को रोका जाएगा, काटा जाएगा। स्कूल की टाइमिंग को लेकर ये बड़ा एक्शन जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी रजनीश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश, क्योंकि सिर्फ के पाठक कहने पे यकीन नहीं रखते हैं, जो उनका आदेश है, जो उनका निर्देश है, वो जैसे एक पत्थर की लकीर हो जाती है, उसका पालन करना अनिवार्य हो जाता है और वो तुरंत इंप्लीमेंट भी हो जाता है, उसका एक्शन नजर आने लगता है। यही वजह है कि कोइलवर में हेडमास्टर के वेतन को रोका गया। 9:04, मतलब आप 4 मिनट से पहले पहुंचिए, ये अनिवार्य है। देखिए विभा, यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि 9:04 नहीं है बल्कि निरीक्षी पदाधिकारी जो हैं उन्हें 8:30 ही तमाम स्कूलों में पहुंच जाना है और वहां पर 8:30 से 9 के बीच में वो नजर रखेंगे। और 9:01 भी अगर हो जाता है तो के पाठक का आदेश है कि तुरंत जो है उनकी वेतन कटौती का कार्रवाई किया जाए। इसके अलावा जिस प्रकार से के पाठक जो हैं जब से ज्वाइन किए हैं, बता दें आपको इससे पहले भी ACS हुआ करते थे लेकिन आम लोगों को ये पता नहीं था ACS भी कोई पद होता है। के पाठक ने अपने काम के जरिए ये बताया कि ACS कोई पद होता है और जिसको लेकर लगातार ये विवादों में रहे और एक्शन जिस प्रकार से ये लेते हैं, बता दें आपको आपने चर्चा भी की कि BPSC के जरिए लाखों शिक्षकों की बहाली हुई है। बहाली होने के साथ ही इन्होंने टारगेट रखा कि हर 1 तारीख को सैलरी मिल जानी चाहिए। यही शिक्षक हैं जिनको सैलरी मिलने में 6 महीने और 7 महीने लगते थे, हम लोग खबर चलाते थे। आज की तारीख में किसी भी शिक्षक के अकाउंट पर 5 तारीख नहीं होता है, 1 तारीख को सैलरी मिल जाती है। और लापरवाही में DO से लेकर जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई होती है। तो कुल मिलाकर ये कहें के पाठक काम अच्छा कर रहे हैं, ईमानदार हैं, कड़क हैं, सब कुछ सही है लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री खुद आकर सदन में कहते हैं कि 10 से 4 स्कूल का समय हो गया है, इसके बाद जब बदलाव नहीं होता है तो निश्चित रूप से विपक्ष को मुद्दा मिल गया है और अपोजिशन लगातार अब बर्खास्त करने की मांग कर रहा है। कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए और जल्द दूर होना चाहिए कि आखिर शिक्षकों के पहुंचने के लिए सही वक्त क्या निर्धारित किया गया है, वो वक्त जिसको शिक्षक भी फॉलो करे और स्टूडेंट्स भी फॉलो करे। बहुत बहुत शुक्रिया रजनी से तमाम जानकारी के लिए।